बिहार के कई जिलों में सीमावर्ती नदियां उफान पर हैं। सीमावर्ती नदियों में लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अररिया के कई इलाकों में नेपाल से आने वाली नदियों ने कोहराम मचा रखा है। आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण लोग घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर पलायन करने को मजबूर हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि टाट का यह घर आधा पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ के कारण यह घर भी टूट गया है। इलाके में बढ़ते जलस्तर के कारण स्थानीय लोग परेशानी झेलते हुए किसी तरह अपने मवेशियों और घर के सदस्यों के साथ ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। नेपाल के साइड में है, बॉर्डर के इस पार, और जो है हम लोग को बांध टूटने से पानी काफ़ी आ गया है। हम लोग पानी ऊंचा स्थान पर अपना मवेशी लेकर के जा रहे हैं। मवेशी को ऊंचा स्थान पर जा रहे हैं? हाँ, मवेशी लेकर के ऊंचा स्थान पर जा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि कोई देखने आया कि नहीं? कोई नहीं आया अभी तक। कोई देखने तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। नेपाल के तराई इलाके में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का कहर जारी है, जिससे अररिया होकर गुजरने वाली भूतहा नदी का भी जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि अभी तक किसी सरकारी कर्मचारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि खबर लेने उनके पास पहुँचा है।